अच्छा तो अगर हमारे पास टॉपिक है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए, तो हमारे पास आरएनए इनिशियली होता है, ठीक है, जो डीएनए से बनता है। उसमें फिर किस तरह से मॉडिफिकेशन आती है, ठीक है, डिफरेंट आरएनए का डिफरेंट बताया हुआ, डिफरेंट तरीके से, ठीक है। हमारे पास राइबोसोमल आरएनए है, ठीक है, में शुरू में एक प्री आरएनए होता है, ठीक है, फिर उसकी क्लीवेज होती है, आरएनए एंजाइम, ठीक है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, ठीक है, वो फिर जो है उसके आरएनए के डिफरेंट जो राइबोसोमल आरएनए के जुड़े डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है, उस क्लीवेज के नतीजे में बनते हैं, जैसे 28S हो गया, 5.8S हो गया और 18S हो गया। तो दूसरा इसमें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पास 5S राइबोसोमल आरएनए है उसको पॉलीमरेज 3 सिंथेसाइज करता है, जो बाकी हमने पढ़े थे, ठीक है, बाकी जितने भी इसके टाइप हैं, ठीक है, वो हमारे पास पॉलीमरेज 1 सिंथेसाइज करता है। तो ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए में जो प्रिकर्सर होता है, ठीक है, अब हमारे पास ये दिखाया गया है, ट्रांसफर आरएनए में जो प्रिकर्सर आरएनए है, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि ना एक 16 कहते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है 5 एंड पे, ठीक है, इसके 2 एंड है, 5 एंड है, 3 एंड है, ठीक है, उस पे वो कहता है कि ना कभी कभी एक सीक्वेंस होता है उस प्रिकर्सर आरएनए में, प्रिकर्सर ट्रांसफर आरएनए में एक 16 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, उसको रिमूव करना लाजमी होता है, ठीक है, तो उसको जो एंजाइम एक राइबोजाइम रिमूव करता है, ठीक है, उसके अलावा वो लिखता है कि ना कभी कभी यहाँ पे एक इंट्रॉन भी होता है, जो यहाँ पे ब्लू कलर में दिखाया गया है, ठीक है, तो इसको भी रिमूव करना लाजमी होता है। और उसके अलावा 3 एंड पे, ठीक है, ये जो यूरा सेल वगैरह हैं, ठीक है, उनको ये सी सी ए सीक्वेंस से रिप्लेस करना लाजमी होता है। तो इस तरह से ना इसमें मॉडिफिकेशन इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाई गए हैं, ठीक है। तो एक तो हमारे पास हमने कहा है कि जो 16 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है 5 एंड पे लगा हुआ है वो रिमूव कराता है, और इंट्रॉन होते हैं वो रिमूव होते हैं, ठीक है, उसके अलावा जो 3 एंड है, ठीक है, वहाँ पे भी चेंजेस आती है, ठीक है, वहाँ पे सी सी ए सीक्वेंस बन जाता है। तो आगे हमारे पास है कि ना कैपिंग, ठीक है, यूकैरियोटिक एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए में किस तरह से चेंजेस आती हैं, ठीक है, एमआरएनए ने हम एफएससी में भी पढ़ा है, पहले पढ़ा है, ठीक है, कि ना उसमें कैप बनता है और इसमें एक टेल बनता है, उसके बाद ही वो हमारा जो यूकैरियोट्स का एमआरएनए है उसके बाद ही वो हमारे पास न्यूक्लियस से निकलता है और साइटोप्लाज्म में जाता है। और अभी ये कैप का बता रहा है, कैप का किस तरह से है, ठीक है, हमारे पास बेसिकली होता है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, वो हमारे पास गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट और जो न्यूक्लियर एमआरएनए जो है ना, ठीक है, उस पे जो न्यू एंड वाला न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, उसके 5 एंड पे मैं वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एनटी लिख रहा हूँ, ठीक है, तो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट में भी 3 फॉस्फेट होगा, ठीक है, और ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है जो आरएनए के एंड पे है, एमआरएनए के एंड पे है, तो इसमें भी 3 ट्राइफॉस्फेट्स होंगे, ठीक है, तो हमारे पास इनका जो रिएक्शन होगा, ठीक है, उसके नतीजे में इसके जो 2 फॉस्फेट हैं, ठीक है, वो रिमूव हो जाएंगे जीटीपी के, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और हमारे पास इसकी तरफ से जो चीज़ बचेगा वो हमारे पास बचेगा गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, और जो मतलब है, और उस रिएक्शन के नतीजे में, ठीक है, इस साइड से भी 1 फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दोबारा एक इनके दरमियान ट्राइफॉस्फेट जो होगा, ठीक है, जो ट्राइफॉस्फेट लिंकेज यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, उसमें जो 1 फॉस्फेट है, 1 फॉस्फेट इस जीटीपी से आता है और 2 फॉस्फेट जो आरएनए के एंड पे जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, उससे आते हैं, ये बात उसने लिखी हुई है, थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग है यहाँ पे तो। और इसमें जो एंजाइम इसको कंट्रोल करता है गुआनिल ट्रांसफरेज, ये बात लिखी हुई है, बाकी इसमें वो कहता है कि जो मिथाइल ग्रुप है फिर आता है, वो आता है हमारे पास एसिडिनोसाइल मिथियोनिन, ठीक है, वो हमने
प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पढ़ा है सैम, तो ये बात लिखी है उसने पेपर में। उसके बाद ये मैं रिमूव करता हूँ। उसके बाद वो कहता है एडिशन ऑफ पोली पोली ए टेल, ठीक है, हमारे पास जो इसका थ्री एंड होगा, ठीक है, एमआरएनए का, उसके थ्री एंड पे वो कहता है कि एडीनोसिन ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और वो एडीनोसिन वो कहता है ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में नहीं आते, ठीक है, बल्कि इनको एक एंजाइम कराता है पॉलीएडेनिलेट पॉलीमरेज, ठीक है, और एटीपी को एज सबस्ट्रेट यूज़ करता है, क्योंकि एटीपी में भी बेसिकली न्यूक्लियोटाइड जो हमारे पास होता है एडीनिन होता है, तो इस तरह से ये पॉली पॉली टेल ए। और दूसरा इसने ये बताया हुआ है कि ना ये टेल का क्या काम होता है, स्टेबलाइज करता है एमआरएनए को और उसकी जो एक्सेलिटेट करता है एग्जेक्ट को न्यूक्लियस से, और इस तरह जब कैप और टेल, जो कैप हमने बताया था 7-methylguanosine ट्राइफॉस्फेट, और जो टेल है पोली ए टेल, तो ये जो है ना इस तरह से एमआरएनए की प्रोटेक्शन भी करते हैं, और एमआरएनए हमारा सेफली जो है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ जाता है, और फिर वहाँ जाके हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है।